नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। तो शालीमार बाग इलाके में आजादपुर मंडी के केला गोदाम के पास बनी झुग्गियों में अचानक आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में दर्जनों झुग्गियां और पास में बनी लकड़ी की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने आग पर काबू पाया, वरना और भी ज्यादा संख्या में झुग्गियां जलकर राख हो सकती थी। गनीमत रही कि वक्त रहते सभी लोग झुग्गियों में बाहर आ गए और भारी नुकसान होने से बच गया। साथ ही वहां लोगों से बात करने पर पता चला कि लोगों का आशियाने तो जल ही गए, साथ ही इनके जरूरी कागजात और सामान भी जलकर राख हो गए। कुछ लोगों के साइकिल और कुछ छोटी छोटी गाड़ियां हैं जिनसे अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे भी साथ में जल गई। आग किस कारण लगी, ये जांच का विषय है। आगे के कारणों की जांच दमकल विभाग और दिल्ली पुलिस कर रही है। 1.5 घंटे के बाद आई। कोई हालात, कोई जख्मी? यहाँ जख्मी, यहाँ गाड़ी जली हुई है जो 18 लाख की आ रही है, गाड़ी जली, और यहाँ तो गैस सिलेंडर भी जला फटा और बहुत सब नुकसान हुआ। और जिनका ये क्या कहते हैं, यहाँ नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, नुकसान यहाँ पे बारदाना लगता है, यहाँ पे यहाँ से लेके वहाँ तक। और बारदाने पे आग पता नहीं कैसे लगी ये तो नहीं पता। जब आग लगी तो यहाँ पे ना काफी पब्लिक इकट्ठा हुई थी, और मैं भाग के आया, मैंने देखा तो हमारे यहाँ के सब लोग, जितनी भी जनता थी यहाँ पे जुटी हुई थी सिर्फ आग बुझाने में। और कॉल किए हुए कम से कम 1 घंटा हो गया। 11 बजे आग लगी थी और 12:30 बजे के करीब यहाँ पे आई है पानी की गाड़ी हैं। तो आने के बाद यहाँ पे पब्लिकों ने इतना कुछ किया कि भाई आग आगे बढ़ने नहीं थी, जो यहाँ के स्थानीय लोग थे ना उन लोगों ने आग आगे बढ़ने दी। जान माल का नुकसान नहीं, नहीं कुछ नहीं, सिर्फ गाड़ियाँ जली हैं और कुछ झुग्गियाँ जली हैं, और कुछ लोगों को पैर, मतलब कि हाथ पैरों में चोट भी आई है भागते आग को जलाते भागते हैं। 11:50 पे हमें कॉल मिली थी वजीरपुर दमकल के अंदर पर। 11:55 पे हम यहाँ पहुँच चुके थे और 6 गाड़ियाँ हम मौके पे लेकर आए, उससे आग बुझाई गई। इसमें सर किसी की जान माल का नुकसान? जान माल का कोई नुकसान नहीं है। इनका कूड़ा कबाड़ा था जो ये रदियाँ इकट्ठी करते हैं, और कैरेट वगैरह हैं इनकी, इसी में आग थी, बुझा दी गई।